लगातार पिछले कई दिनों से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार अगर बात करिए तो ठंड के दौरान भी वो वहीं बैठे रहे, बारिश भी यहाँ बैठे रहे। आज जो 5 जनवरी की इनकी करनाल के अनाज मंडी में प्रदेश स्तरीय एक रैली हुई थी, रैली के दौरान एक बात कही गई थी, एक बड़ा फैसला लिया गया था कि आने वाली यानी कि आज 12 जनवरी को जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। लेकिन पूरी 52,000 हरियाणा के जो वर्कर हैं आज जिला सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। और करनाल में मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि लगातार ये बैठी हुई हैं और इनका यही कहना है कि आज हम जेल भरो आंदोलन के साथ साथ कुछ ना कुछ एक फैसला लेके जरूर जाएंगे। आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में ये करनाल जिले की पूरी जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं, ये वो यहाँ बैठी है और उनका यही कहना है कि नोटिफिकेशन नहीं हुई, मांगे जरूर मानी गई थी लेकिन आज तक उनके जो मांगे हैं पूरी की पूरी ऐसी हैं। तो दूसरी तरफ आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि जो पुलिस के जवान हैं वो पूरी तरह मुस्तैद हैं और यहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं एक टकराव की स्थिति जरूर बनी थी। और कल भी जो यमुनानगर में जो घटना हुई, यमुनानगर से गेस्ट टीचरों के साथ साथ जो दूसरे पीटीआई बर्खास्त टीचर थे उनको उठाया गया, उनको अलग अलग बसेस में भरकर अलग अलग जगह पर पहुंचाया गया। रात पिपली से भी हमने एक वीडियो जरूर दिखाई थी कि जिसमें उनको वहां से उठाया गया था और अज्ञात जगह पर छोड़ा गया था। लगातार ये आंगनबाड़ी वर्कर बैठी हुई हैं और पिछले कई दिन से यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन कर रही हैं। मैडम क्या कहेंगे, क्या क्या मांगे हैं आपकी, इसको लेकर कितने दिन हो चुके हैं आज? आज हमारे 38 दिन हो चुके हैं जी। हमारी कोई नई मांग नहीं है, वही पुराने मांग मुद्दे हैं सारे। 2018 में जो सीएम साहब ने मान्य थे उनके नोटिफिकेशन वो दे नहीं रहे हैं। 7 दौर की बातचीत हमारी हो चुकी है, परसों भी हमारे साथी बातचीत में गए हुए थे, शाम को 6:30-7 बजे तक उनकी बातचीत हुई, लेकिन सीएम साहब अपनी हट धर्मी पे उतरे हुए हैं, वो हमारे को मान सम्मान देना ही नहीं चाहते। और सही में पूछो ना तो सीएम साहब को पता ही नहीं है कि औरतों का मान सम्मान किया कैसे जाता है। माँ का वो सम्मान नहीं करते अपनी का, क्योंकि हम उनकी माँ और बहनें हो सकती हैं, बेटियां भी हो सकती हैं, माँ और बहनों का वो सम्मान नहीं करते। बेटी और बहुएं उनके घर में नहीं है तो उनको औरतों का पता ही नहीं है कि औरतों का सम्मान कैसे किया जाता है। जब तक सरकार हमारे 1500-750 नहीं देगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे, मतलब नहीं उठेंगे। हमारी आर पार की लड़ाई है ये। आज कुछ 17 तारीख की बात आ रही है, 17 तारीख का टाइम दिया जा रहा है आपको? टाइम ज्यादा है जी, 15 तारीख के अंदर अंदर हमें टाइम दे, हम 17 तारीख तक वेट नहीं करेंगे कि 15 तारीख का हर सीएम साहब से मिलने का हमारे को टाइम दिया जाए, क्योंकि जो 15 तारीख तक का हमने हड़ताल का नोटिस दे रखा है, अगर वो 17 को करेंगे तो आगे फिर पता नहीं हमारे कितने दिन का और हम नोटिस दे देंगे ऊपर हड़ताल का। इसलिए सीएम साहब से कह रहे हैं हम और प्रशासन से यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे को 15 तारीख के पहले का टाइम दिलवाएं। जेल भरो आंदोलन था आज का, हम तो जेल के लिए आए हुए हैं, ये गिरफ्तार नहीं करने लग रहे, बिल्कुल बैठे हैं जी, हम तो तैयार। अगली कार्रवाई क्या होगी अगर माने नहीं? अगली कार्रवाई यही होगी जी, कंबल ले आ रहे हैं, सारी दिन रोटी ले आ रहे हैं, पूरे सड़क पर लौटेंगे, कहीं नहीं जाएंगे जी हम यहीं। आज लगातार कोरोना का जो टाइम चल रहा है, कोरोना की वजह से रात जो बर्खास्त पीटीआई टीचर थे यमुनानगर से उठा दिया गया, अलग अलग जगह पे रात उनको भेजा गया, आप क्या समझते हैं? आप एक बात बताओ जी, आप पत्रकार साथी हो, इसकी चिंता हमें होनी चाहिए या सीएम साहब को होनी चाहिए? अगर यही सवाल आप सीएम साहब से पूछो तो अच्छा रहेगा। क्या सीएम साहब को पता नहीं हमारी जनता सड़कों पे बैठी है, कोरोना महामारी फैलने लग रही है? आप सीएम साहब से पूछो, प्रशासन से पूछो कि हमें क्यों बैठा रखा है, कोरोना में हमें अपने घर जाने के लिए क्यों नहीं है उस तरीके से तैयार करते कि हम अपने मांग मुद्दों को हमारे को निपटा दे और हम अपने घर चले जाएंगे। हमें कौन सा शौक है यहाँ बैठने का कि हम सड़कों पे बैठे हैं? लगा दिया सरकार ने, जो मर्जी लगाई जी सरकार है, वो जो मर्जी लगा सकती है, हम क्या कर सकते हैं? जो हम पब्लिक हैं हम तो यही कर सकते हैं, नारा हमारा हथियार है और बैठना, जो ये करेंगे हमारे साथ हम तैयार बैठे हैं जी, बिल्कुल भी आउला नहीं है। सीआईटीयू की और सड़क कर्मचारी संघ की जो यूनियन है, अनुशासन प्रिय यूनियन है, आज तक ना हमने कभी दंगा फसाद किया ना हम दंगा फसाद करेंगे, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे ना हम किसी को परेशान करेंगे। आश्वासन लेके नहीं जी, बातचीत की चिट्ठी नोटिफिकेशन लेके जाएंगे जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगे मैडम, लगातार पिछले 38 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं आप? मैडम ने बता दिया सारी बात, यही बातें हैं हमारी कि अगर सरकार नोटिफिकेशन जारी करे और हमारा जो हम जो कह रहे हैं, ये अभी जो तहसीलदार साहब आए थे ये कह रहे थे कि जो कमिश्नर डायरेक्टर मैडम है उससे आपकी बात होगी, वो सीएम से बात करेगी। हम 7 दौर की वार्ता इसी तरीके से हम कर रहे हैं, लेकिन मतलब सरकार को इस बात की बिल्कुल भी वो एहसास नहीं है कि गर्मी सर्दी के बीच आंगनवाड़ी वर्कर
घरों से निकल के आती हैं, अपने बच्चों को छोड़ के आती हैं, और हमें सड़क पे बैठने का शौक नहीं है कुछ भी। जो हमारी पेंडिंग मांगे हम उनको ही लागू करवाने की बात कर रहे हैं। जो सीएम साहब ने हमारी बात मानी है उसके नोटिफिकेशन जारी करे, और जो हमारी पेंडिंग मांग है 1500-750 वाली उसको सीएम साहब लागू करे। हमें सीएम से भी मिलने का कोई शौक नहीं है। हम आज यहाँ बैठे हैं, सीएम साहब घोषणा कर दे, हमें कोई ये नहीं है कि हम वहीं मिल के जाएंगे। घोषणा करे, नोटिफिकेशन भेजे, नोटिफिकेशन। हाँ, किसानों के देखे नहीं, मंत्री प्रधानमंत्री ने घोषणा करी तो ही खत्म हुआ ना धरना। तो हम भी उनकी घोषणा का ही की वजह था, हम अपना नोटिफिकेशन भी लेंगे और उनमें घोषणा। वो कह रहे हैं नहीं कोरोना है, इस वजह से मैं कह रही हूँ अगर नहीं मिलना चाहते तो सीएम साहब वहीं से घोषणा करते इसकी। हम अपना अगली रणनीति क्या होगी आपकी? अगली रणनीति अगर सरकार मानती है ठीक है, हमें बातचीत के लिए कोई सकारात्मक रूप हमारे साथ अपनाती है तो ठीक है, नहीं आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। और आंदोलन कोई भी उग्र रूप धारण कर सकता है जिसकी जिम्मेवारी पूरी सरकार की होगी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं इनका यही कहना है कि लगातार हम 38 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन आज तक हमारी मांगे थी वो मानी नहीं गई। और उसके साथ सबसे बड़ी बात है कि कई मांगे जो सरकार ने मांग ली है उसकी नोटिफिकेशन नहीं हुई, इस वजह से आज जेल भरो आंदोलन था। जेल भरो आंदोलन के लिए वो कह रही है हमें गिरफ्तार करो लेकिन प्रशासन उनको गिरफ्तार नहीं कर रहा, इसीलिए वो जिला स्तर लेकर बैठी है। और उनका यही कहना है चिट्ठी से काम नहीं चलेगा, नोटिफिकेशन करें, मुख्यमंत्री जी घोषणा करें। कमरजीत सिंह विरक, जनता टीवी, करनाल। कहीं नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कमलेश डांडा मुर्दाबाद, कमलेश डांडा मुर्दाबाद, नारियों के नारी का शोषण करने वाली कमलेश डांडा मुर्दाबाद। नहीं देंगे घुरकी से, जैसे कि हमने पहले भी घोषणा करी थी और अब भी कर रहे हैं, जब तक हमें सीएम साहब से टाइम नहीं मिलेगा और हमारी बातों के निपटारे का आश्वासन नहीं मिलेगा।